सेक्शन में चीटिंग विथ कॉन्स्पिरेसी और एटीएक के अंदर एक गुना दाखिल हुआ है। उसकी हकीकत ऐसी है, 17 दिसंबर 2022 को ये जो फिरियादी है उज्जवल चांडल, इंदौर के रहने वाले हैं, उन्हें उनके मित्र भूरालाल जैन, इन्होंने फोन करके कहा कि उनका एक मित्र है जीतमल जैन, उनके बेटे को यश जैन को 20 लाख रुपए अर्जन मुंबई भिजवाने हैं, तो आप उनकी सहायता कीजिए। और उन्हें यश जैन का नंबर भी दिया। यश जैन ने कहा मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वहाँ पे पैसा भिजवाना बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट, आप जरा तुरंत कैसे भी करके अरेंज करके 20 लाख रुपए मुंबई भिजवा दीजिए, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ करके। इनके बातों पे विश्वास करके फिरियादी ने मुंबई में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, और इसका इंतज़ार करते गए। फिर यश जैन आया नहीं, सामने आया नहीं, तो उनको डाउट आया, उन्होंने वहाँ फ़ोन किया, उनके पिताजी को फ़ोन किया, जीतमल जैन को फ़ोन किया, तो जीतमल जैन ने कहा मेरे ये मेरे बेटे का नंबर नहीं है और मेरे बेटे ने कोई पैसा किसको भिजवाना नहीं है। तो उन्हें पता चला कि अपने साथ धोखाधड़ी हुई है और फिर वो कंप्लेंट करने यहाँ पुलिस थाने आए। सर, ये लोग किस तरीके के लोगों को टारगेट करते हैं? ये लोग जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं उनको टारगेट करते हैं, ये उनके सब पूरे खानदान की हिस्ट्री निकालते हैं, उनके परिवार में कौन है, और ऐसा जताते हैं कि हम उनको जानते हैं, पूरे परिवार को जानते हैं, और उस हिसाब से वो ऐसा धोखाधड़ी करते हैं। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले? ये सभी आरोपी राजस्थान के पाली जिले के हैं, जिसमें हमने अभी तक आज तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 14.5 लाख रुपये रिकॉर्ड किए हैं। सर, मुंबई में क्या इनका यही पेशा है? मुंबई यही उनका पैसा है, मुंबई ठाणे और कर्नाटक में भी उन्होंने 10 से भी ज्यादा गुने इस प्रकार के किए। सर, जैसे कि राजस्थान के रहने वाले हैं, मुंबई में उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्या राजस्थान से भी कोई ऐसा मामला सामने आया है? राजस्थान से अभी तो सामने आया नहीं है, लेकिन हम अभी तहकीकात कर रहे हैं। सर, आप लोगों की जाँच पड़ताल के अनुसार क्या लगता है, ये टीम कितनी बड़ी है? आप लोगों ने 5 गिरफ्तार किया, क्या लगता है? इसमें और एक जन अभी गिरफ्तार होना बाकी है, वो इनका मेन सूत्रधार है, वो अभी वांटेड है, वो जब गिरफ्तार होगा तभी और इसने कितने कितने केसेस किए ये सब पता चलेगा। सर, ये आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? इसमें से 2 आरोपी हम लोगों ने कुरार से गिरफ्तार किए हैं। गाजीपुर की शाह होटल ग्रैंड पैलेस, शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्यूट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा, जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजी का।